सरोज रज निज मन मुकुर सुधाय बरनउ रघुवर विमल जसु जो दाय कुफल चारे बुद्धिहीन तनु जानी के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव नो है अरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दो लोग उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमार निवार सुमत के संगी कंचन बरन को विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित के सा हाथ गज और ध्वजा विराज है काल में मुनि जनेऊ साजे संकट स्वर्ण केश भी नंदन तेज प्रताप महावीर बंदन विद्या बाल गुनी अति चातुर राम काज करिवे को आतु प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीतामन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुगुर हर्षिव लाए रघुपति की भी भक्त बढ़ाई तुम प्रिय भरते संभाई सहस बदन तुमरे जस गावे अस कहित श्रीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मनीषा नारद सारद सहित अहिंसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि गोविंद कह सके धहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानु लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत प्यारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुपुर जाई जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई और देवता चित्र धराई हनुमत से सर्व सुख कराही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल वीरा। जय जय जय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मेरी पूजा हो गई है, अभी बच्चे पूजा कर रहे हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। वो रहे दोनों, अभी दोनों बहुत लड़ रहे थे तो दोनों को डोज देके बैठाया है कि बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ो, पढ़ रही है। और धूप तो है नहीं लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं आज दिन में क्या क्या करने को मिलता है, कहीं बाहर जाती हूँ या नहीं, या यहीं बैठी रहती हूँ। आ गई मैं बाहर से, बाहर कुछ भी खाने पीने का नहीं खाती मैं, सोचा था गन्ने का जूस पीऊंगी तो शॉप ही बंद थी उसकी जिससे पीते हैं हम लोग, तो अभी जिया बना रही है रूह अफ़ज़ा। ऐसे तो बाहर जब गर्मी में जाओ तो मन करता है कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम ये सब ले लो, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि बिना उसकी लत लगाए तो ऐसा हालत है मेरा, उसकी लत लग जाएगी तो और पता नहीं क्या ही हाल हो जाएगा। मम्मा इतनी मोटी हो जाएगी कि जानू मम्मा से डर जाएगी, है ना।
मम्मा से डालूंगा तो कोई बात नहीं, पर इनको छोड़ के कभी नहीं भागूंगा। मेरा बच्चा, मेरा कहाँ गए हुए थे अभी आप? हाँ? अभी आप कहाँ गए हुए थे? नानी के घर। क्यों जाते हो वहाँ? नानी तो यहाँ आई जाती है। और मम्मा ये लग मैं क्या पूछ रही हूँ, क्यों जाते हो वहाँ? आदू से मिलने। आदू आपसे मिलना चाहता है? मुझे देख के हंस रहा था। मम्मा तुमको जानता भी नहीं है वो। मम्मा हाँ? लग रहा है आपने फेस धोया है। पसीना आ रहा ना। आ गया मेरा बच्चा रिफ्रेशिंग ड्रिंक लेके। थैंक यू सो मच। वेलकम। पीना है तो पियो, शर्मा मत करो। मीठा मीठा रूह अफ़ज़ा में नींबू डालने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। बहुत अच्छा है। सिर्फ वो डालने से लगता है क्या? रूह अफ़ज़ा डालने से लगता है आइसक्रीम टाइप्स कुछ है। क्यों हुई थी नानी तो यहाँ मिली थी तो वहाँ क्यों हुई थी? ऐसे कान्हा जी का इत्र लाई हूँ। इत्र नानी के पास लाई? आराध्या की बुआ जो है वो वृंदावन गई थी तो लाई है। आपने थैंक यू बोला? हाँ। तो मैंने अपने पिछले 4-5 वीडियो पहले मैंने कहा था कि मैं कीचड़ में अब नहीं घुसना चाहती, क्योंकि नीचता जो होती है लोगों की उसमें नहीं पड़ना चाहती। लेकिन सामने वालों की नीचता का ना कोई लिमिट ही नहीं है। इतने घटिया हो चुके हैं ना, इतने घटिया हो चुके हैं कि उनकी जो इंसानियत नाम की जो चीज़ होती है ना वो भी ख़त्म हो चुकी है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ उसका भी इधर एक सबूत डालती हूँ, वो देखना आप लोग, फिर बताना कि मेरा भड़कना जो है वो जायज़ है कि नहीं है, कि मैं ऐसे ही बेवजह भड़कती हूँ। पहले वो मैं क्लिप डाल देती हूँ, उसके बाद आगे की बात करती हूँ। तो देखा आप लोगों ने यहाँ पर क्या बोलूँ, यहाँ पर लोग नीचता का इतना घटिया लेवल पार करते जा रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना कोई गिर सकता है, इतना कोई गिर सकता है। जब ऐसी चीज़ें डाल सकता है ना तो ऐसी चीज़ें कर भी सकता है। मतलब यहाँ ननद आई है तो उसको सिंक की छन्नी से उसको चाय छान कर दिया जा रहा है। अबे तो जहर डाल के दे दे, औकात है हिम्मत है तो जहर डाल के दे दे। हाँ, और ये किसने किया है उसको तो पता ही है कि किसने किया है। जिसको नहीं पता है उसको बता दूं, मुंबई वालों इसके हाथ की चाय पीने से पहले 10 बार सोचना। इसको जिसके साथ दुश्मनी रहती है उसके साथ कुछ भी कर सकती है। ऐसी चाय बना के पिलाती होगी, लगता है जैसे कि परवरिश ही ऐसे में हुई है। अपनी माँ को भी देखा होगा यही सब करते हुए अपने ननदों के लिए, इसलिए बेचारी सीख गई। क्या करे ना, अब सुधर जा वरना तेरी बेटी भी वही सीख जाएगी। समझी, औकात में रह। घटियापंती मेरे को करनी नहीं होती है, लेकिन तू कोई कसर नहीं छोड़ती है कि मैं आके इधर तेरे लिए बकवास ना करूं। तेरे को क्या लगता है तू जो मन में आएगा वो करती रहेगी और मैं जवाब नहीं दूंगी? मुंह तोड़ के जवाब दूंगी, समझ गई? अपने लिमिट में रह। और ये नीचता जो तू दिखा रही है ना, वो राह चलते को भी पकड़ के कोई पानी पिला देता है। और तेरी किस्मत में तो ये है ही नहीं कि तू मुझे खिला और पिला सके। वहां थी तब भी और यहाँ हूं तब भी, तू उस लायक ही नहीं है, समझी? ये मेरे साथ तो नहीं हुआ लेकिन तेरे साथ जरूर होगा, क्योंकि तेरी नीयत ऐसी है ना, इसलिए तेरे साथ जरूर होगा। वेट कर तू अपने समय का। घटिया लोग बहुत। तेरा बाप उस दिन YouTube पे आकर लेक्चर दे रहा था, ये सिखाया है अपनी बेटी को? ये सिखाया है
खानदान वाले और पैसा वाले ऐसे ही होते हैं, खानदानी लोग कीचड़ जैसे, बदतमीज औरत सुधर जा वरना तेरे बच्चे भी यही सीख जाएंगे, सुधर जा, नहीं सुधरी ना तो सुधार दूंगी अच्छे से। तेरी औकात है, हिम्मत है तो तू मेरे साथ करके दिखा देना ये, उसके बाद बताऊंगी मैं। सॉरी एवरीवन अगर आपको मेरा वीडियो डिस्टर्बिंग लगा हो तो, लेकिन जिन लोगों का आपका जिन लोगों से आपका इंटरेक्शन फेस टू फेस नहीं रहता है उसको इसी तरीके से जवाब देना पड़ता है, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मैं इन लोगों से मिलती नहीं हूँ जो इनको मिल के जवाब दे सकूँ, इसी तरह से मैं जवाब दे सकती हूँ इन लोगों को। और मूड खराब हो जाता है तो लोगों को कुछ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इन शॉर्ट यही है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वरना ऐसे फटीचरों को कोई इम्पोर्टेंस ना दूं मैं अपनी ज़िंदगी में जो वीडियो में इम्पोर्टेंस ले रहे हैं। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कमेंट करें कि ऐसे घटिया औरतों के साथ क्या होना चाहिए, क्या मैं अपनी जगह गलत हूँ या सही हूँ, कमेंट करके बताइए।